आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पटेटो। उसके लिए 4 मिनट ये माइक्रोवेव में बॉईल करूंगी मैं, वैसे 8 मिनट करती हूँ, हाफ बॉईल करूंगी और उसके बाद में इसको तलूंगी छीलने के बाद। और इसमें डालने के लिए मैंने ये काली मिर्च ली है, जीरा लिया है और 4 इलायची है हरी वाली और 2 लौंग हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी है और तेज पत्ता है। ये बाद में जब छौंकूंगी तो डालूंगी। और इसमें डालने के लिए ये 19 से 20 दाने काजू के लिए हैं और ये 3 चम्मच मगज के बीज लिए हैं। गर्म पानी डाल के 15 मिनट के लिए भिगो दूंगी। और मसाला डालेंगे हम, ये 1 चम्मच धनिया है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच ही कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं पहले आलू बॉईल करने के लिए रखती हूँ। आलू मेरे बॉईल्ड हो गए हैं, मैंने 4 मिनट के लिए रखे थे माइक्रोवेव में और ये मैं निकाल देती हूँ। मैंने थैली में डाल के बॉईल करे थे 4 मिनट के लिए। और अब मैं इनको ठंडा करती हूँ और छील लेती हूँ उस, क्योंकि ये हाफ बॉईल करे हैं, ऑयल में तलूंगी इन्हें। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, मैं गैस जला देती हूँ और गैस को फुल आँच पर रखेंगे, ऑयल को जाने देंगे, उसके बाद इसमें आलू तलूंगी। ऑयल हमारा हो गया है, अब मैं इसमें हल्के हल्के आलू डालूंगी। आलू मैंने हाफ कर दिए हैं और इनको हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो निकालूंगी। हल्के हाथ से डालेंगे, इसे सीख देना, एक बार में जितने आएंगे उतने ही डालेंगे। आलू को मैं पलट देती हूँ, एक तरफ से हो गए हैं, शायद ये हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे हो जाने देंगे, उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। आलू हो चुके हैं मेरे, ये आलू मैं निकाल लेती हूँ। ये ऑयल हमारा हो गया है, इसमें पहले डालेंगे जीरा, चार इलायची है, 2 लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी है और ये तेज पत्ता है और थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। इसको चला लेते हैं पहले। और ये काजू हाजू 15 मिनट मैंने भिगा दिए थे गर्म पानी में, ये भी डाल देती हूँ। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। इसको पकने देते हैं 5 मिनट, गैस सिमर कर देती हूँ और ढक्कन लगा देती हूँ। ये ठंडा हो गया मसाला हमारा और अब मैं इसको पीस देती हूँ। अब मैं गैस जला रही हूँ और इसमें डालूंगी ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। और 1 टुकड़ा डालूंगी बटर का। ये बटर हमारा हो गया है, इसमें डालूंगी जीरा 1 चम्मच, तेज पत्ता, थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको चला लेते हैं पहले। इसमें डालेंगे मसाला, गैस को सिम में रहने देंगे। अब डालेंगे पिसा हुआ काजू, और इसको घी छोड़ने तक पकने देंगे। इसको ढक देती हूँ। ये शाही पटेटो बनके तैयार हो गया है, चला लेते हैं एक बार। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, इसी डालेंगे कसूरी मेथी। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।